नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रुति चांदना और आप देख रहे हैं स्टार 24 न्यूज़। चलिए बढ़ते हैं आज के खास समाचार की तरफ। मंदसौर में आम आदमी पार्टी से पंजाब के विधायक व मध्य प्रदेश सह प्रभारी मनजिंदर सिंह ने मंदसौर संसदीय क्षेत्र में एक दिवसीय दौरे पर आए। उन्होंने मंदसौर नीमच में आम सभा को संबोधित किया। साथ ही मंदसौर के श्रीकुल चौराहे पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लालपुरा का अभिवादन कर स्वागत किया, जिसके बाद नई आबादी में स्थित गुरुद्वारा पर माथा टेका और वाहेगुरु के दर्शन किए। यहाँ गुरुद्वारा कमेटी द्वारा लालपुरा का फूल माला से स्वागत किया। तत्पश्चात नगरपालिका सभागृह में पत्रकारों से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें पत्रकारों के सवालों का जवाब देते उन्होंने कहा, पंजाब से भी आप पार्टी की जीत हुई, लिहाज देश में आम आदमी पार्टी का अच्छा माहौल है। मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी जनता के बीच डोर टू डोर जा रही है, आम जनता की समस्या सुनी और सुलझी समझी जा रही है। हमारी पार्टी भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसे अन्य मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पार्टी संगठन द्वारा सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। प्रदेश सहभारी के साथ मंदसौर संसदीय लोकसभा प्रभारी नवीन कुमार अग्रवाल, जिला अध्यक्ष नीमच अशोक सागर, जिला अध्यक्ष मंदसौर गंगाराम पाटीदार, जिला उपाध्यक्ष विकास सोलंकी, जिला यूथ विंग अध्यक्ष अरुण परमार, जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रकाश दोसावत सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। सबसे पहले जितने भी आपके चैनल को देख रहे हैं साथी हैं, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं पंजाब से विधायक हूँ मनजिंदर सिंह, लालपुरा खडोरसा विधानसभा से, जहाँ पे मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने सह प्रभारी लगाया मध्य प्रदेश। आज मैं उनका एक स्नेहा लेके जहाँ पे आया हूँ कि 25 जून को हम ग्वालियर में महारैली कर रहे हैं, तो उसमें जो लोग बदलाव चाहते हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप बड़ी गिनती में वहाँ पर पहुँचे, ना जो हम जहाँ पे आप पिछले लंबे समय से जो दो दिन पार्टी ही पूरा सिस्टम को ख़राब कर रही है उनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हमारा वहाँ पे आकर आप हौसला अफजाई करें, दिल को बढ़ाएं, हमारा पूरा साथ दें, तो उसके लिए पूरे कार्यकर्ता और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष और जो बाकी भी पदाधिकारी हैं सभी से एक मुलाकात करने के लिए जहाँ आया हूँ, और इन सभी ने विश्वास दिलाया कि हम बड़ी गिनती में वहाँ पे पहुँचेंगे। और आम आदमी पार्टी लोगों के हित में काम करने वाली पार्टी है, जैसे दिल्ली में काम किया और लोगों को अच्छा लगा और पंजाब में हमने सरकार बना दी, अब पंजाब में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी उसकी आवाज़ पहुँचती है, दिल्ली में क्या, क्योंकि सेंटर है तो सेंटर के लोगों की जो नज़र है वो पूरे भारत की राजनीति में रहती है, तो जो हम दिल्ली में कर रहे हैं और पंजाब में कर रहे हैं उसकी नज़र भी मध्य प्रदेश के लोगों के में रहता है। तो जहाँ भी जैसे मैंने कुछ लोगों से पूछा, बहुत लोगों ने बताया कि वहाँ तो आपके अच्छा काम हो रहा है, तो लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं, तो इस बार हम जहाँ पे भी अपनी सरकार है वो बनाएंगे, 230 विधानसभा पे ही हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे और लोगों से इस बार एक बार केजरीवाल जी को मौका दें, क्योंकि पिछले लंबे समय से तो दो ही पार्टियों को दे रहे हैं, उनको तो देख ही लिया है, तो एक बार क्यों ना नए को ट्राई किया जाए। एजेंडा रहेगा एजेंडा, देखिए एजेंडा क्या है, हम आम लोगों से, आम लोग क्या चाहते हैं, आम लोग आज महंगाई इतना ज़्यादा है कि आम आदमी परेशान हो रखा है, आम आदमी क्या अच्छे से अच्छा आदमी भी परेशान हो रखा है, वो जितना कमा के लेके आता है उसका खर्चों में चला जाता है, इतना ज़्यादा महंगाई है। तो जैसे बिजली था, बिजली पंजाब में हमने 600 यूनिट फ्री कर दिया, तो जो आम आदमी है जैसे कोई 15,000 या 20,000 की जॉब करने वाला था उसका 5-6 हज़ार रुपये तो बिजली बिल में चला जाता था, तो आज उसका वो बच जाता है। अभी जैसे वहाँ पर हम शिक्षा अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखिए कि जो प्राइवेट स्कूल रहे वो 3-4 हज़ार फीस लेते हैं, अब जब हम वहाँ पे सरकारी को अच्छा कर रहे हैं, लोगों का रुझान बच्चों का अभी सरकारी स्कूल की तरफ आ रहा है, तो 3-4 हज़ार उसका मतलब वो भी बचेगा। तो ऐसे किसी को जाता था सरकारी दफ्तर में काम कराने के लिए तो वहाँ 500 हज़ार 2 हज़ार उसको देने पड़ते थे रिश्वत करप्शन में, वो हमने बंद किया है, वो भी उसका बचना शुरू हो गया है। तो ऐसे यल पे